अरे बाबू जी के हम दुलरी माई के कटपुतरी रहनी आ सब पूरा करत रहे जवन जवन हम कहनी। अरे सोचला रे मानवा सजावल सपनावा माटी मिल गए रहे भौजी तो हम बानी गोर कर खोजले मारा दवा झुनुमा पापा कोइले रे भौजी तो हम बानी गोर कर खोजले मारा दवा झुनुमा पापा कोइले रे भौजी मना कहिनी पुर बाबा न जही है ये पिया हाथ कवनो के कुछ हो न खई है ये पिया बल मुह के बिगड़ल सुबंग लीनिया रे बंगलिनिया चित बदली खिया के मजा मोर लस रे है बंगलिनिया। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। और एल्बम इंडस्ट्री यानी कि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में ना भैया शिल्पी लोगों का ना बहुत बड़ा राज है। जी हाँ, ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा दबा के ना वायरल हो रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं शिल्पी राज, और शिल्पी राजवानी के बाद एक और नई शिल्पी। कैमरामैन इधर दिखा दो और इधर से इधर दिखा दो। ये छोटी सी जो मासूम सी बच्ची दिख रही है ना, ये शिल्पी देहाती है और आजकल ना दबा के गाने गा रही है। और जितने भी गाने गा रही है ना सब वायरल हो रहे हैं। इनसे जानेंगे, इस छोटी बच्ची की कहानी जानेंगे कि भाई इंडस्ट्री में कैसे आई और इतने गाने सभी स्टारों के साथ गा रही है। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है बच्चा। नमस्ते प्रणाम, हम सिंगर शिल्पी देहाती रुआ भोजपुरिया समाज के गोर छू के गोर लागत नहीं। कैसे हैं? अच्छी हो। लेकिन अच्छी के साथ साथ ना तुम गाने बड़े अच्छे अच्छे गाती हो। तुम्हारा जो गाना सबसे पहले जो करिया वाला है, जो एक मर्द वाला है जो गाना गाया गया है, वो जरा सुनाओ, वो दर्शकों को सुनाओ, उसके बाद फिर बातें करते हैं आपके बारे में। नहीं, सबसे पहले वो गाना सुनाओ वही म्यूजिकल अंदाज में। रे भौज वाला। हाँ। अरे बाबूजी के हम दुलरी माई के कटपुतरी रहनी आ सब पूरा करत रहे जवन जवन हम कहनी। अरे सोचला रे मानवा सजावल सपनावा माटी मिल गए रहे भौजी तो हम बानी गोर कर खोजले मारा दवा झुनुमा पापा कोइले रे भौजी तो हम बानी गोर कर खोजले मारा दवा झुनुमा पापा कोइले रे भौजी। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये देख रहे हो ना, ये छोटी सी बच्ची है और इसने इस तरीके से गाने गाए हैं ना कि भाई लोग इसे प्यार करें। एक बात बताओ बच्चा, तुम्हारी उम्र क्या है यार? सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी साल की है? तुम 12। क्या बात है, 12 साल में इतनी अच्छी गायकी। कहाँ से सीखा, कौन सिखाता है आपको ये चीज़ें? मेरे सागर भैया सिखाते हैं और मेरे पापा। पापा आपके पापा क्या करते हैं? वही मतलब लेबर वर्क का काम करते हैं पापा। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो गाने की जो होती है, गाना सीखा आपने कहाँ से? आपको सिखाने वाला कौन था? आपको इस लाइन में लाने वाला कौन था कि चलो इस बच्ची को म्यूजिक सिखाया जाए, थोड़ा गाना बजाना सिखाया जाए, इतने अच्छे अच्छे गाने हारमोनिया पे क्लास, ये आपको सिखाने वाला कौन था? सागर भैया। ये कौन है आप? गुरु हैं मेरे। तो यानी आपको ये सागर जी जो हैं उन्होंने आपको क्लास दिया है, आपको मतलब हारमोनिया बजाना सिखाया, आपको रिकॉर्डिंग पे मतलब किस तरीके से स्टूडियो पे आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए मतलब आवाज़ को आपको सारा चीज़ उन्होंने बताया है। जी। तो आप एक बात बताओ, आप जब आते हो इंडस्ट्री में तो आपको नहीं लग रहा है कि आप काफ़ी छोटी हो और इतने बड़े बड़े स्टार के साथ, प्रमोद प्रेमी के साथ आपने ड्यूट गाना कर लिया, होली में गाना लेकर आया, तो सबसे पहले प्रमोद भैया के साथ आप जब ड्यूट कर रहे थे तो आपको नर्वस हो रहा था कि यार मैं इतने बड़े स्टार के साथ ड्यूट गाने पे काम कर रही हूँ? क्या क्या मतलब उस बच्ची के मन में क्या था? छोटी बच्ची तुम हो, तुम मेरे मन में डर नहीं लग रहा था? लग रहा था। कितना डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैनेज कैसे किए? फिर स्टूडियो पे मतलब माइक पे जब गए तो फिर आपको कौन सहारा दिया कि नहीं यार तुम डरो मत, प्रमोद जी थोड़ी हैं मतलब स्टार हैं तो क्या हुआ है, सिंगर हैं वो? आपको सहारा कौन दे रहे थे? भैया। सागर भैया। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो प्रमोद भैया के साथ गाना गाए होली वाला गाना गाया, वो जरा गुनगुनाओ जरा।
वो वाला हाँ। माई मम्मी और गोइल बाबूजी बेलाउर रही सुतार प्यार करे में, माई मम्मी और गोइल बाबूजी बेलाउर रही सुतार प्यार करे में। आ जई है अब की औरे में डाला वाली है पिछला घरे में। एक बात बताओ, अभी धीरे धीरे तुम आर्य भैया के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, आर्य भैया आपके लिए म्यूजिक बना रहे हैं, सुबोध जी जैसा आपने बताया कि वो आपके साथ, और कौन कौन से हैं आपको संभालने के लिए, आपको बताते हैं कि हाँ ये शिल्पी देहाती तुम ये गलत देहाती तुम ये गलत काम मत करो, ये चीज़ें आपको सिखाता कौन है इस इंडस्ट्री में, एल्बम मतलब इस इंडस्ट्री में आपको कौन सिखा रहे हैं? सागर भैया और संजय भैया। अच्छा संजय भैया, ये दोनों आपके फेवरेट हैं जी। आगे जाके और क्या करना है तुमको, क्या लग रहा है कि गाने तुम गा रही हो हिट हो रहा है, आगे क्या करना है और कितने कितने गाने गाने, और किन किन स्टारों के साथ तुम्हें लग रहा है कि अब तुमको गाना गाना चाहिए? अभी तो खेसारी और सारे भैया के साथ गाने का मन है, मतलब अच्छा खेसारी भैया के साथ सबसे पहले जी, पवन भैया के साथ नहीं जी। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, तुम्हें सबसे पहले खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाना है या पवन सिंह के साथ गाना गाना है? पवन सिंह के साथ। पवन सिंह आपको क्यों पसंद आते हैं? हम छोटे ही पर उनका सॉन्ग सुनते थे ना। अच्छा। तो अब शिल्पी राज आ गई है तो हम उनका सुनते हैं। अच्छा, तो मेरा फेवरेट हीरो वही है। और सिंगर में लेडीज मतलब शिल्पी राज। तो शिल्पी राज का आपको कौन सा फेवरेट गाना आपको लगता है कि आप इसको सुनते हो तो आपको दिल को सुकून मिलता है, इसे बार बार सुनने का मन करता है, कौन सा गाना है शिल्पी? जरा एक लाइन गाओ। माना कहिनी पुरबावा न जही हे पिया, हाथे कवनो के कुछ हो न खई हे पिया, बल मुँह के बिगड़ल सुबंग लीनिया रे बंग लीनिया, चित बदली खिया के मजा मोर लस रे है बंग लीनिया। आपको पता है ये इस गाने से ही शिल्पी राज का करियर का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था इसी गाने से, और आपका जो गाना है जो करिया वाला जो आपने पहले गाया था वो भी गाना इससे एक लेवल ऊपर ही बनाया गया है, और वो भी धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगला शिल्पी देहाती है जो स्टार एकदम स्टार बड़ी बन जाएगी, आपको लग रहा है कि आप अपने आप को स्टार देख रहे हो? अभी नहीं, अभी बहुत मेहनत करना है ना? तो चलो ठीक है, तो अभी जैसे अभी चैता का सीजन आने वाला है, चैता में कितने गाने अभी तक तुम गा चुके हो और कितने गाने गाने वाले हो, कुछ बताओगे? अभी तो बहुत सारा मतलब प्रोजेक्ट में है तो उसको और गाना है, जितना जल्दी गाऊंगी उतना जल्दी और ज्यादा आएगा, अभी रखा है तो उसको जल्दी जल्दी गा रही हूँ, गाएंगे। चलो ठीक है, लास्ट में अपने फैंस से क्या कहोगे, मतलब तो आप तो तुम्हारे भी फैंस हो गए हैं, तुम्हारे भी लोग सेल्फी लेते हैं हाँ तुम्हारे साथ भी, तो अपने फैंस से क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो या भोजपुरी समाज से कुछ कहना चाहते हो तुम? बस जो मेरे फैंस हैं उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। थैंक्स बोलना, चलो थैंक यू।